स्वागत है आपके अपने चैनल डियर एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो अपनी 9 बराबर सीरीज चल रही है, ठीक है। तो अपने 10वां पार्ट है आकृति के पूर्तिकरण यानी कंपिलेशन ऑफ फिगर, ठीक है। कोई आकृति दी रहेगी उसको अपने पूर्ति करना पड़े, जैसे ए ए चिन्ह बना हुआ है, 3 जगह एक आकृति खाली होगी, ठीक है। क्वेश्चन मार्क होगा उसको अपन को पूर्ण करना होगा। तो दोस्तों यदि चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसको जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाता, इसलिए 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो वीडियो के अंत जरूर देखिएगा, अपन 25 मिनट के पहले पहले खत्म कर लेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो निश्चिंत रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखें। देखिए यदि आप इसको देख पा रहे होंगे गौर से, तो ये चित्र बना हुआ, ये क्या हुआ, देखिए ये इसको यदि गौर से देख पा रहे, ये इसका सीधा दर्पण प्रतिमा बन रहा है। तो ये जो इस प्रकार डंडी दी गई वो कुछ इस प्रकार से बनी, एक यहाँ पर, ठीक, और ये ऐसा आएगा, ठीक, और ये वाला जो है ये ऐसा आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार चिन्ह किसमें बना हुआ है, ये देखिए इसमें बना हुआ, लेकिन इसमें ये डंडी पूरी निकली हुई है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये है लेकिन ये कुछ सही नहीं है, ठीक, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये देखिए ये सही है, ठीक, और ये क्यों गलत है बताइए, इसमें थोड़ा ऐसा कर दिया और इसमें यहाँ से किया है, तो ये पूरे गलत हो जाएंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये थोड़ा टफ रहता है। देखिए यदि आप इसका दर्पण प्रतिमा बनाएंगे तो देखिए ये पहले गोला आएगा, आएगा फिर उसको यहाँ से काटेंगे, ये इसलिए गलत हो क्योंकि ये डंडी पूरी यहाँ तक आ गई लेकिन सब में नहीं है, देख लीजिए, ठीक, ये इसलिए गलत हो गया है। अब इसको यदि अपन ये बनाओ इस प्रकार, तो ये इस साइड से आएगी, देखिए ये गलत हो जाएगा, ये इसमें कुछ ज़्यादा कर दिया तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका सही आंसर, मतलब बी बिल्कुल आपका राइट आंसर, ठीक। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा, देखते हैं इसका सही आंसर कौन देता है। ये थोड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सही आंसर कौन दे पाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, दर्पण प्रतिमा बना दीजिए तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखिए यदि ए डंडी कुछ इस प्रकार से गई तो ए कुछ अपनी इस प्रकार जाएगी, यदि आप देखेंगे तो ये तो गलत हो ही जाएगा, ठीक है। अब बी सही हो जाएगा, ये भी गलत हो, ये तो इसमें भी गई है तो ये सही हो जाएगा। अब उसके बाद ए वाली डंडी कुछ इस प्रकार से जाएगी तो इस प्रकार इसी में दी हुई है और बाकी इसमें गलत है, ठीक, इसमें इसको कुछ इस प्रकार से काट दी इसलिए गलत हो जाएगा डी। तो बी बिल्कुल आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसको जल्दी सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। टोटल 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 15 में से आपको कितने राइट हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएं, कितने रॉन्ग हुए कितने राइट हुए, तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है पूरा वीडियो देखने के बाद। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, इसके लिए आपको 5 सेकंड टाइम दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, तो किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। देखते इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन दे पता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसका आंसर दीजिए। देखिए यदि इसको आप देख पा रहे हो, इसको भी आपको दर्पण प्रतिमा में बनाना है कुछ प्रकार से, देखिए इसको इसको यहाँ मिलाना है और इसको यहाँ मिलाना है या नहीं मिलाना, तो इस प्रकार से दो डंडी किसमें सब में है, ठीक है या नहीं है, ये गलत हो जाएगा, देखिए ये इस साइड से, ठीक। अब चलते आएंगे, अब देखिए यदि आप देख पा रहे होंगे ए वाली ये कुछ इस प्रकार से रहेगी, ठीक है, रहेगी तो इसमें है, इसमें है, अब ये तो गलत हो ही गई और इसमें भी है, ठीक। और आगे चलते हैं अपन, तो देखिए ये बना दिया उसके बाद कुछ इस प्रकार से, ठीक है, किस प्रकार, इस प्रकार से, और ये ऐसी आएगी आएगी तो इसमें किसमें है, इसमें भी है, इसमें गलत, इसमें भी है, ठीक, अभी सब में है। अब उसके आगे देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से काटा जा रहा है, ठीक, यहाँ से काटा जा रहा, फिर कुछ ये देखिए ए वाली यहाँ, फिर ए वाली थोड़ी कुछ ऐसी दी है तो कुछ इस प्रकार से जाएगी, तो ये किस में बनी हुई है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक, ये भी गलत हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन सही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं इसका सही आंसर कौन देता है। देखिए दोस्तों यदि आप देख पा रहे होंगे ये जो डंडी है ए वाली, ठीक है, ए मतलब एक ही दिशा में है, ठीक है, ए और देखिए ये दूर है तो ये पास आ गई इसके, ठीक आई, और ए वाली सीधी हुई तो ये तो एक सीधी आ जाएगी, तो मतलब ऐसी होनी चाहिए, तो इसमें नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा, बी के बाद ए भी गलत हो जाएगी क्योंकि इसमें उल्टी दी हुई है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो बी तो क्लियर अपन ने गलत कर दिया, ठीक, बी गलत हो गया और डी गलत हो गया। अब अपने पास ऑप्शन बचा ए और सी। अब यदि इसके आगे देखिए ए वाली डंडी कुछ इस प्रकार से, ए दूर है दूर तो ए कुछ इस प्रकार से यहाँ बननी चाहिए तो ये इसी में है, इसमें उल्टी कर दी, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर। देखिए दोस्तों एक बार और क्लियर कर लीजिए, यदि आप गौर से देखिए ये वाली तो सीधी जाएगी तो ये इसलिए गलत हो क्योंकि इसमें इस साइड से तो ये गलत हो गया, इसमें भी इस साइड से तो ये भी गलत हो गया, ये दोनों, और ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी है तो
वो तो एक ही डंडी से आपको एक लाइन से पता चल गया। उसके बाद यदि गौर से देखेंगे, देखिए ये दूर है तो ये उसी दिशा में दूर, ये इस दूर है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ आने चाहिए, तो ये इसी में है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, रे रहा अगला क्वेश्चन, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। ये तो बहुत ईजी है, यदि आपको समझ में आ जाए तो आप सेकंड में कर सकते हैं, नहीं तो आपको टफ है। ठीक, तो दोस्तों इससे निश्चित रहिएगा 20 मिनट के बाद पहले पहले पूरा 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा, और यदि आप पहले के क्वेश्चन ना देखें हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई रेलवे नाम से, तो आप देख सकते हैं। ठीक, पूरे अभी ये अपना 11वां पार्ट चल रहा है, तो इससे पहले 10 पार्ट जो हो चुके हैं वो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है रेलवे नाम से, तो आप देख सकते हैं। यदि आप इसको गौर से देखेंगे, देखिए ये कुछ इस प्रकार से, तो ये भी इस प्रकार से, ए वाला चिन्ह ए वाला है और ए वाला इस साइड। यदि आप गौर से देखें, देखिए उसको छोड़ दीजिए, यदि आप देखिए ए सीधा ही है तो ए भी सीधी। ठीक, तो ये सीधी होनी चाहिए, ए गोला तो यहाँ से होना चाहिए, इस प्रकार किस साइड होना चाहिए, देखिए एक गोला बनेगा कुछ इस प्रकार, तो इस साइड होना चाहिए, इसमें ए गलत ए गलत ए गलत ए साइड। ये तो देखिए कितने जल्दी से हो गया, लेकिन यदि उसके बाद भी देखेंगे तो देखिए ये डंडी सीधी तो ये डंडी सीधी, तो ये भी सीधी होनी चाहिए इस साइड, इस साइड किस में, इसी में है। ठीक, उसके बाद यदि देखेंगे तो ए वाला जो ब्लैक ब्लैक है वो इस साइड, तो ब्लैक है तो इस साइड आना चाहिए, इस साइड किस में, इसी में। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। और ये जो वाइट है ब्रत, इसको इस साइड आ जाएगा, इसी में है। ठीक है, तो डी बिल्कुल आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ए रहा चौथा क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा, इससे पहले जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए दोस्तों। जल्दी से देखते हैं इसका सही आंसर कौन देता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है चौथा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आप इसको देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसको मैं बना दे रहा हूँ कुछ, ठीक, ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, देखिए इस प्रकार से बनेगा, लेकिन यहाँ जो बीच में से क्या किया गया है, ये वाला भाग काट दें, लगभग इस प्रकार से बनना चाहिए। ठीक, इस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब या तो आंसर ए होगा या होगा अपना डी, या तो सी आंसर या डी आंसर। अब इसके बाद अब ये चेक करेंगे आप, तो ये जो गोला बना हुआ है कुछ इस प्रकार से बनी हुई, ठीक, और ये जो गोला है वृत्त इस प्रकार से, तो ये जो यहाँ पर है देखिए ए वाला यहाँ पर, ये सीधी होनी चाहिए। ठीक, तो अब सीधी देखते हैं किसमें, इसमें नहीं है, देखिए यदि आप गौर से देख पा रहे हैं इसमें नहीं है, सी में नहीं है। ठीक, सी में सीधी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, डी में बिल्कुल सीधी है, तो डी में कुछ इसी प्रकार से देख लीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ए रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, तो इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें, और अपने सभी दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, और उनको बता दें कि यहाँ पर बातों अच्छी क्लासेस चलती है, तो डेली लेना ना भूलें। और आप करंट अफेयर का वीडियो भी आपको 4 बजे के पहले पहले मॉर्निंग में मिल जाता है, तो आप जब भी उठें तो सबसे पहले करंट अफेयर देखें, उसके बाद इसका वीडियो आता है 8 बजे रेलवे का, तो वो देखें। अपन एक नंबर सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं मिसिंग नंबर की, तो उसको भी देखना ना भूलें, वो अपना 5 क्वेश्चन रहेंगे डेली, उसमें 5-6 क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है, 10 मिनट के पहले पहले उसको अपन समाप्त कर देंगे। यदि आप इसको देख पा रहे हो, देखिए ये जो कुछ इस प्रकार से यहाँ सीधी, तो लगभग ए भी यहाँ पर सीधी होनी चाहिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से किसमें बनी हुई है यदि आप देखेंगे, तो देखिए बताइए किसमें है। ठीक, यदि उसको देखें, देखिए ए वाला ए ऐसी गई, तो ए वाली है कुछ इस प्रकार से आनी चाहिए, इस प्रकार किस साइड, इस साइड आनी चाहिए अपने, तो किस में दी हुई है इस प्रकार से, बताइए जल्दी से बताइए, देखिए ए वाली इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद ए जो है ए कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ए दी हुई और ए दी हुई है। ठीक है, और इसमें भी दी हुई, इसमें भी है, ये तो गलत हो जाएगा, डी आपका गलत। ठीक, अब देखिए ए वाला है तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, बनेगी इसमें नहीं बढ़ रही, इसमें बढ़ रही है, इसमें ही बढ़ रही। ठीक, ये देखिए ए जो है ये कुछ अपनी इस प्रकार से बनेगी, तो सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सी क्यों गलत, सी इसलिए हो जाएगा सही, क्योंकि देखिए इसमें ए डंडी के एक्स्ट्रा हो गए इसलिए गलत हो गए। ठीक है, क्योंकि इसमें इस प्रकार से कोई डंडी नहीं, ये बिल्कुल सी बिल्कुल आपका राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको जल्दी सॉल्व कीजिएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। यदि आपने पहले की वीडियो ना देखी हो तो रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन लिंक दी हुई है, तो आप पहले के 10 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो वीडियो देखने के बाद आपको नॉन नंबर रीजनिंग बहुत आसान लगने लगेगी। ठीक, तो पूरा वीडियो देखिए, देखिए दोस्तों ये जो डंडी कुछ इस प्रकार से है। ठीक, तो ये जो है तो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, इस साइड को होना चाहिए, तो यदि आप देखेंगे
अभी तो सब में समान है, ठीक है, सब सही है। उसके बाद ये तो हो गई अपनी, ठीक। अब ए वाली देखिए, ए वाली तो ये कुछ अपनी इस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक। तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी सब में समान है, ठीक। फिर ए वाली ऐसी गई है तो लगभग कुछ ऐसी होनी चाहिए, ठीक। और ए इस प्रकार से बताइए किस में होनी चाहिए, जल्दी से बताइए, इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से। तो लगभग ए सही आंसर हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। ए क्यों गलत हुआ बताऊँ, बताइए। इसमें इस प्रकार से बना दिया, ठीक। सी ए बिल्कुल आपका राइट आंसर, ठीक। ए गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। देखिए इसको आप गौर से देखें, यदि आप देखिए, या तो आप इसको देखिए, ये देखिए ए डंडी खींची तो ये खींची हुई, ठीक है, ये तो सीधी आ ही जाएगी। उसके बाद देखिए ए वाली खींची हुई तो ए वाली आएगी। तो इस प्रकार से किस में है बताइए, किसी में नहीं है। इस प्रकार से इसी में ए, तो ये पूरा सही गलत हो जाएंगे और ए बिल्कुल आपका राइट आंसर, ठीक। आप इस प्रकार से बहुत आसानी से लगा लेंगे। देखिए क्या हुआ दोस्तों, ए जो खींची हुई है तो इसमें भी तो है, और ए जो सीधी आई तो ये भी सीधी आ जाएगी, और ए कुछ इस प्रकार से खींचेगी, ठीक। ऐसी डंडी इसी में है, बाकी किसी में नहीं है, तो ये पूरे गलत हो जाएंगे, ठीक है। ए बिल्कुल आपका राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। ए बहुत ही टफ है, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो जल्दी से आंसर दीजिए। किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, देखते हैं इसका सही आंसर कौन दे पाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। देखिए आप इसको देख पा रहे होंगे, ए बना हुआ, ठीक, ए वाली डंडी, सॉरी, देखिए ए वाली, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो किसमें है, इसमें तो ये नहीं गलत हो जाएगा, ये सही, ये सही। आपने पास ऑप्शन बचे बी ए सी और डी। यदि उसके बाद देखिए ए ऐसी गई तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से जाएगी, इस प्रकार से इसमें गई है, इसमें भी गई, इसमें नहीं गई, तो ये गलत हो गया। अब अपने पास ऑप्शन बचा, या तो होगा क्या, ए होगा या सी होगा। यदि उसके बाद देखें ए वाली, देखिए इस प्रकार से गई तो ए कहाँ से ऐसी जानी चाहिए, तो इसमें नहीं गई, तो ये गलत हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए रहा तो इसका जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका कौन सा आंसर राइट है, ए बी सी या डी में से, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यदि आप इसको देख पा रहे, इसका आपको कुछ नहीं करना। देखिए ए है, ठीक, तो कुछ देखिए इसको मैं बना दे रहा हूँ थोड़ा अच्छे से, ठीक, क्लियर हो जाए आपका। ये देखिए यहाँ से कुछ ए थ्री डिजाइन बने, ठीक, और यहाँ पर कुछ ये जब, और इसी प्रकार से यहाँ पर तीन बन गई, तो इसी प्रकार से यहाँ पर थ्री है, तो तीन कुछ इस प्रकार से बाहर को होना चाहिए। तो देखिए ये गलत हो जाएगा, ये सही, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए दोस्तों यदि आप क्लियर कर पाएँ, ये जो हैं इस प्रकार से, तो ये भी उसका विपरीत है, तो ये जब पलटेगा तो कुछ इस प्रकार से ऐसी होनी चाहिए। इस प्रकार से किसमें बनी हुई है, मात्र इसमें, ये पूरे गलत हो जाएंगे, ठीक। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसका जल्दी सॉल्व कीजिएगा, किसी का आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों इतने कम समय में आपको 15 क्वेश्चन करा देता हूँ, लगभग 20 मिनट के पहले पहले निपटा दिया, ठीक। तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए, आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक सीरीज लेके आऊँगा जो नॉर्मल रीजनिंग के रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन लेके आऊँगा एक तरफ से पूरे, ठीक है। तो उससे निश्चित रहिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो रहेगा वो आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, किसका आंसर सही आता है देखते हैं। देखिए दोस्तों यदि आप इसको बहुत गौर से देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये कटा हुआ है, ठीक। तो ये देखिए ये यहाँ से है तो यहाँ से भी है, ये यहाँ से खींची हुई तो एक यहाँ से भी खींची हुई, तो क्या होगा, ये जो खींची हुई तो ये यहाँ सीधी होनी चाहिए, तो सीधी किस में, इसमें है, ये तो गलत हो जाएगा, इसमें है, अब ये भी गलत। अब देखिए अपने पास ऑप्शन दो बचे, ठीक, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन क्या होगा बताइए, या ऑप्शन सी होगा। यदि आप देखें तो ये यहाँ से भी कटी हुई, तो ये यहाँ से भी जानी चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए, तो इसमें नहीं है तो इसलिए गलत। इसमें ए वाली तो डंडी गई थी, ए वाली तो आई थी, लेकिन ए वाली डंडी नहीं थी, इसलिए ए भी गलत हो जाएगा। तो सी बिल्कुल आपका राइट आंसर। देखिए एक बार और क्लियर कर लीजिए, यदि आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैं बना दे रहा हूँ पूरा चित्र, ठीक। ये देखिए सबसे पहले तो ए गई, तो देखिए सबसे पहले इसमें भी ये है, फिर इसमें ए आई तो इसमें भी ये है, मतलब क्या हो रहा, जो ये फर्स्ट काउंटर है उसमें ये सेम आ रहा, तो यहाँ पर भी देखिए ए डंडी बनी हुई है, तो सबसे पहले ए भी बनी होगी, ये सही, तो ये दोनों तो अपने रॉन्ग होगा बिल्कुल। अब उसके बाद देखेंगे तो ए वाली डंडी बनी हुई है, तो इसमें ए भी बनी होनी चाहिए, तो इसमें देखिए ए नहीं बनी, इसमें ही बनी है। उसके बाद यदि देख पा रहा हूँ ए वाली डंडी, तो इसमें ए वाली बनी हुई, तो इसमें भी ए वाली बनी हुई, तो मतलब इसमें बनी हुई,
आपका फिगर क्या, सी नंबर, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। रे रहा अगला क्वेश्चन, इसका जल्दी सॉल्व कीजिएगा। 11वां क्वेश्चन आपके सामने, RRB महिंद्रा घाट ASM 2001 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सही आंसर कौन दे पाता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, तब तक मैं एक चित्र बना ले ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, ये रहा, इसके बाद उसको यहाँ से काटा जा रहा। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका आंसर कैसे करेंगे अपन। देखिए यदि इसको तो पहले उन्होंने चार भाग में बांट दिया, यदि आप इसको गौर से देख पा रहे होंगे तो ये देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह बना हुआ है। यदि इसको प्लस का चिन्ह बना हुआ, उसके बाद यहाँ भी प्लस का है, देखिए इसमें भी प्लस का है या नहीं। उसके बाद यहाँ से एक इस प्रकार से काटा जा रहा, मतलब क्या, जो यहाँ पर बना हुआ है वो यहाँ पर बना हुआ, तो जो कुछ ऐसा बना हुआ और ऐसा, तो ये यहाँ पर बना होना चाहिए, तो कुछ इस प्रकार से बना होना चाहिए। ठीक, देखिए ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, तो इस प्रकार से इसी में बना हुआ, मतलब डी बिल्कुल आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 11 का डी बिल्कुल आपका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों, आई होप आपको बहुत आसान से क्लियर हो गया हो, तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए, देखते हैं इसका सही आंसर कौन दे पाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, तो अभी तक इसी का आंसर नहीं आया है, देखते हैं इसका सही आंसर कौन देता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर दें। देखिए दोस्तों यदि आप इसको बहुत गौर से देख पा रहे होंगे, मैं एक बार चित्र बना दूं, ठीक है, जितना संभव हो सके उतना मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ठीक, ये बना, उसके बाद क्या हुआ, ए जो बना हुआ और यहाँ पर कटा हुआ, ठीक, ये वृत्त बना हुआ यहाँ पर भी है, लेकिन है उसी साइड, और थोड़े क्या हो रहा है, नीचे साइड को आ रहा, तो ये जो बना हुआ है यहाँ, तो इसी साइड होनी चाहिए, ठीक, इसी साइड, नीचे की साइड, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये ऊपर। अब यह ऑप्शन सी होगा, यह ऑप्शन होगा डी। यदि आप इसको कुछ देखिए किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, लेकिन ये जो चित्र है वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक, इस प्रकार से बहुत आसानी से कर सकते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए रहा अगला क्वेश्चन, तो इसको जल्दी सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए 5 सेकंड टाइम दिया जा रहा है, देखते हैं इसका सबसे पहले सही आंसर कौन दे पाता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन तो बहुत ही, यदि आप देख पा रहे होंगे तो कुछ टप भी नहीं है, यदि आप इसको अपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, देखते हैं इसका सही आंसर कौन दे पाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन एक ये बना लिया, ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है, इनको चार भागों में बांटा जा रहा। ये वाला चिन्ह अपन इसको कुछ भी मान लीजिए, ये देखिए ये यहाँ सेम आ रहा, तो ये वाला जो है यहाँ आना चाहिए, इस खूंट में आना चाहिए, तो इस खूंट में देखेंगे तो ये तो ऊपर है तो गलत हो जाए, ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये इस साइड इसलिए गलत। आप देखिए अपने पास ऑप्शन कौन से बची, बी या सी, इन दोनों में से एक सही होगा। यदि आप देखेंगे तो देखिए ये वाला कुछ इस प्रकार से, तो ये भी सेम होना चाहिए लगभग ऐसा, ठीक, ऐसा ऐसा, तो यदि अपन यहाँ से करेंगे, बताइए यहाँ से ऐसा और ऐसे होना चाहिए, ठीक, तो इसमें है लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा कर दिया, देखिए है या नहीं, ज़्यादा यहाँ तक आना चाहिए थे, ठीक, लग इसमें कर दिया कुछ ज़्यादा सी में, तो ये गलत हो जाएगा और बी बिल्कुल आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो इसका जल्दी से आंसर दीजिए, और डेली वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों, ये देखो बेस्ट है, अपन पूरा कोर्स करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, शानदार करेंगे, और हर जितने भी रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन उनका जब भी जोन चैप्टर कंप्लीट होगा उसका एक मास्टर वीडियो जरूर लाऊंगा, तो इसलिए पूरा वीडियो देखना जरूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। यदि आप इसको देख पा रहे होंगे तो देखिए क्या हो रहा है, यदि आप गौर से देखें तो देखिए इसका यहाँ पर सीधा विपरीत किया जा रहा है। चलिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ, देखिए सबसे पहले तो यहाँ प्लस काटा गया, यदि आप देखें तो ये देखिए ये पूरी डंडी यहाँ तक आई, ये यहाँ से यहाँ तक आएगी तो लगभग इस साइड होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। अब अपने पास ऑप्शन क्या बचा, और ये भी गलत हो जाए क्योंकि इसमें पूरा नहीं, या तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन डी। देखिए इतना ही करें, इससे अपना आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दो गलत। अब यदि उसके बाद देख पा रहा हूँ, देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से, ठीक, जिसका यहाँ विपरीत किया जा रहा है, लगभग इस प्रकार से देखिए किया गया, तो जब यदि आप इसको देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से, तो लगभग इस प्रकार से आना चाहिए इस साइड जाना चाहिए, तो इसमें उल्टा कर दिया उन्होंने, देखिए उल्टा किया, ऐसा नहीं करना था, ऐसे ऑप्शन आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, तो सी बिल्कुल आपका राइट आंसर। ठीक, बहुत आसानी से कर सकते, देखिए ये यहाँ से ऐसा, तो इसमें इस प्रकार से आना चाहिए, तो इसमें उल्टा कर दिया, इसलिए गलत हो गया। ठीक, आई होप आपको बहुत आसानी से क्लियर होगा, सी बिल्कुल आपका राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 15 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके, कितने मिनट में, 20 मिनट में। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप PDF लिखकर
व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। क्या 7000662754 इस नंबर पर फ़ोन पे कर सकते हैं, सॉरी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी पीडीएफ दी जाएगी। और दोस्त यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं आप लोगों के लिए लाइव आके और अच्छी क्वालिटी के साथ पढ़ा सकूं, तो जितनी आपकी इच्छा हो इस नंबर पर फ़ोन पे कर सकते हैं 7828782809 पर, ठीक है। फ़ोन पे नंबर है, अपने इच्छा 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये 20 रुपये जितनी आपकी इच्छा हो उतना कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।